गुड मॉर्निंग, खैरियत? आज इतनी सुबह? तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहाँ वेट कर रहे हो? बीच पर। वहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ हुआ है? असल में दो बातें हुई हैं। मुराद आने वाला है मुझे पिक करने, हम ऑफिस में बात कर लेंगे ना? लेकिन अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं उसे फोन करके बता देती हूँ कि मैं लेट आऊंगी। असल में बात मुराद से ही रिलेटेड है। यानी बात जो है वो मुझसे और तुमसे रिलेटेड है। अल्लाह अल्लाह, अब तो मुझे बहुत बेचैनी हो गई है। ऐसा करो ना, यहाँ आ जाओ, बात कर लेते। वहाँ बात नहीं हो सकती। तो वहाँ बीच पर आऊँ क्या मैं? वक्त कम रह गया है काफी। सुनो हयात, इसी कम वक्त में मुझे अपनी जिंदगी जीतनी है। ओके चलो, मैं आ रही हूँ। बताओ, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो इतनी जल्दी में बुलाया है यहाँ? असल में तुम्हें दो बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वैसे तो दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में कोई एक चीज भी कॉमन नहीं है। ओके, मैं सुन रही हूँ। शायद तुम दोनों बातें सुनने के लिए तैयार ना हो। शायद इनमें से एक बात तुम सुनना ही ना चाहो, और हो सकता है तुम ये चाहो कि इनमें एक को काश सुना ही ना होता तुम। लेकिन दोनों बातें बताना लाजमी है। बताओ, जो भी है कह दो बेझिझक। मुझे मोहब्बत करने लगा हूँ यार। दिमाग खराब हो गया है? देखो सीरियस हूं मैं मुराद से प्यार करती हूँ। हयात, मुराद तुम्हारे लायक नहीं है। इब्राहिम, क्या कर रहे हो मुराद? तुम्हें वॉर्न किया था ना मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि ये शख्स तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बीच में आ जाए। कैसा लव, कैसा रिलेशन, तुम क्या बात कर रहे हो? इब्राहिम, सोच समझ कर बोलो, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो तुम? होश में आओ हयात, आगे खोलो अपनी। इस आदमी ने अभी भी अपनी साबिका गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ा। ये घटिया इल्जाम लगाया ना तो बता रहा, बहुत बुरा होगा। अच्छा ये इल्जाम है? दीदम से नहीं मिलते तुम क्या? लेट नाइट घर पर नहीं बुलाते उसे? क्या वाहियात बातें कर रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे घर पर तुम्हें और उसे करीब करीब। क्या इब्राहिम सही कह रहा है मुराद? दीदम आई थी मेरे घर, मगर बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो हयात। फिर क्या बात है? हयात पागल मत बनो, दीदम के और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि आई लव यू। हयात, हयात कहा था ना तुमसे हयात को कोई दुख पहुंचे, ये मैं होने नहीं दूंगा।
हयात को जो भी दुख पहुंचा है इस वक्त इब्राहिम, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हयात के लायक नहीं हो तुम मुराद। हयात से दूर रहो इब्राहिम, हर लिहाज से वो मेरी है। और हां, बाय द वे, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं।